हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज का ऐप, और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और दोस्तों, आज की क्लास में हम, चूँकि हमारी EPFO UPSC EPFO एनफोर्समेंट ऑफिसर की क्लासेस चल रही है, जिसमें हम आपको वेरियस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इनकी टाइमिंग्स ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूं और हम वीडियोज़ में बताते भी रहते हैं। तो यहाँ पर हम जो क्लासेस चला रहे हैं, इसमें आज की क्लास में हम EPFO के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो पेपर होगा ये बायलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, तो हिंदी वाले भी पैनिक ना हो, इंग्लिश वाले भी पैनिक ना हो, ठीक है। दोनों के लिए ये जो पेपर है ये दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो पेशेंस रखें आप सभी, है ना, और हम इस पूरे पेपर को आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। कुछ दोस्तों को दिक्कत हो रही थी कि टेलीग्राम ग्रुप लिंक वर्क नहीं कर रहा है, तो आप सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली आपको जाना है टेलीग्राम पर और सर्च करना है नॉलेज इसका। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या सर्च करना है, नॉलेज स्पेस स्काई। जैसे आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो आपको हमारे जो चैनल का है वो लिंक मिल जाएगा, और इसका ये जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि वहाँ पर इमेज कौन सी डली हुई है, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे चैनल को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बिना टाइम गवाए हम हमारी आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग कमीशंस एंड कमिटीज़, ये जो कमीशंस एंड कमिटी दी हुई है इन्हें हमें कंसिडर करना है। कौन कौन सी कमेटी हैं, पहली कमेटी है आपकी फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, सेकेंड है आपका लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, थर्ड है आपका रॉयल कमीशन इन लेबर, और थर्ड है आपका नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द अबव इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट्स। तो ये जो चार तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन से कमेटी बनी थी, ठीक है, इनकी इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, जिस ऑर्डर में उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करी थी, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में वो भी। चलिए जरा हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं इसको, कि ये कुछ आयोग दिए हुए हैं और इन आयोग ने अपने आरोही क्रम में इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उनको आरोही क्रम में जमाना है। मतलब किसी ने किसी सन में की होगी, किसी ने किसी और सन में की होगी, किसी ने किसी और सन में की होगी, तो इनके आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज करना है। कौन कौन से, प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग, श्रम जांच समिति, रॉयल राजकीय श्रम आयोग, या फिर राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या है, 3, 2, 1, 4। हम चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में बना रहे हैं, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले किसने करी थी, तीसरे नंबर पर जो है वो रॉयल राजकीय श्रम आयोग ने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, श्रम जांच समिति, ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, तीसरे नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर कौन है, प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, और लास्ट नंबर पर कौन है, चार अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो इसका आंसर ही होगा। अब ये जो क्वेश्चन ये किस फील्ड का है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका लेबर लॉस से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, लेबर लॉस से रिलेटेड। मैं आप सभी से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप जो 9 सब्जेक्ट उनको जरा एक बार पेपर पर लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जब मैं आपको बताता चाहूँगा कि ये क्वेश्चन इस फील्ड का है, ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का है, तो आप उसके नीचे लिखते जाइए, तो एक आपको ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए आसान रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे ये रहा लेबर लॉस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आपको परेशान नहीं होना, ये सिंगल वीडियो, इसमें हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन, ऐसा ही आपको एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, ओके। सो फैमिली प्लानिंग बिकम एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ लेबर वेलफेयर इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रेजोल्यूशन पास्ड इन द ईयर, ठीक है। Family planning becomes an integral part of labor welfare as per the International Labor Organization resolution passed in the year. तो इसका हिंदी में क्या है क्वेश्चन, कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस वर्ष में पारित संकल्प के अनुसार परिवार नियोजन श्रमिक कल्याण का एक अभिन्न अंग बता दिया है, है ना। तो किस साल में लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा था कि जो लेबर वेलफेयर है, लेबर वेलफेयर है, ये जो है
फैमिली जो सॉरी जो फैमिली प्लानिंग है ये लेबर वेलफेयर का एक इंटीग्रल पार्ट है। जो परिवार नियोजन है वह श्रमिक कल्याण का एक अभिन्न अंग है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है? ये क्वेश्चन लेबर लॉ को भी बिलोंग करता है, साथ में ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमी को भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये किस साल में कहा गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1947 1947 में ये बात कही गई थी। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझे जल्दी से बताइए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले हम इसे इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू वेलफेयर सर्विसेज अंडरटेकिन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन कमर्शियल एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। कमर्शियल और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अगेन लेबर लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका। तो चार ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। एक मतलब कौन से करेक्ट नहीं है, एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहला है एज वेलफेयर इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू ऑल, हैंस डुप्लीकेशन बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन इज अनडिजायरेबल। सेकेंड है वेलफेयर सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड फॉर मैटर्स कंसर्निंग एम्प्लॉय विच मे नॉट बी इमीडिएटली कनेक्टेड विद देयर जॉब्स दो कनेक्टेड विद देयर प्लेस ऑफ वर्क। फोर्थ है वेलफेयर सर्विसेज विल इंक्लूड सर्विसेज स्पेशल सर्विसेज फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉय। एंड द फिफ्थ इज चाइल्ड केयर फैसिलिटीज मे बी प्रोवाइडेड ऑन द कलेक्टिव बेसिस सो सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। ये चार ऑप्शन है, ऑप्शन हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर को डिस्कस करेंगे आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। अब हिंदी में जरा हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि वाणिज्यिक संगठनों और लोक संगठनों में इन संगठनों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सही नहीं है। मतलब वाणिज्यिक जो संगठन हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या पब्लिक सेक्टर्स या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, इन संगठनों में विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो इनमें से कौन सा कथन है जो इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सही नहीं है। ठीक है, कोई एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसे पहला है हमारा कि चूँकि राज्य द्वारा सभी के कल्याण के लिए कई कार्य किए जाते हैं, अतः अन्य संगठनों द्वारा यह अवांछनीय है। मतलब ये सिर्फ राज्य सरकार द्वारा किया जा सकते हैं। दूसरी, कर्मचारियों से संबंधित उन मामलों के लिए कल्याणकारी सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं जो उनके कार्य के साथ प्रत्यक्ष संबंधित ना हो, यद्यपि उनके कार्यस्थल से संबंधित हों। मतलब उनके कार्य से संबंधित ना हो परंतु उनके कार्यस्थल से संबंधित हो जानी चाहिए, ऐसी सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं। तीसरा बोल रहा है कि कल्याणकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विशेष सेवाएँ शामिल हो सकती हैं। और चौथा बोल रहा है शिशु देखभाल सुविधाएं सामूहिक आधार पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ दी ओनली वन। चलिए ज़रा हम इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ओनली वन में क्या बोला गया था। ये रहा आपका पहला वाला, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम इसे एक बार देखते हैं। हिंदी में पहले हम देख लेते हैं कि चूँकि राज्य द्वारा सभी के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा था, अन्य संगठनों द्वारा जो ये अभी ये जो चीज़ें हैं ये अवांछनीय है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, फिर हम इसे ज़रा समझते हैं कि एज वेलफेयर इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू ऑल, हैंस डुप्लीकेशन बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन इज अनडिजायरेबल। अब देखिए, यदि आप लोग थोड़े से भी समझदार हैं, देखिए जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास डीप नॉलेज होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। कैसे? देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना हमारे देश में कि यदि कोई फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वैसी कोई फैसिलिटी कोई और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है सही, क्योंकि यदि जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हैं अपने लोगों के लिए, वो फैसिलिटीज़ कोई पब्लिक प्राइवेट सेक्टर या एनजीओ जैसी संस्थाएं भी उपलब्ध करा सकती हैं और कराती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलत है कि जो सेवाएं जो चीज़ें आपको गवर्नमेंट दे रही है वो कोई और नहीं दे सकता। तो ये एक तरह से गलत बात है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, इसे जरा हम डिस्कस करते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लेबर लॉ इन द इंडिया। अगेन ये क्वेश्चन किससे? लेबर लॉ से। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लेबर लॉ से भरे पड़े हुए हैं।
तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लेबर लॉ इन द इंडिया। अब देखिए, मैंने आपको लेबर लॉ जो पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको जो लेबर लॉ पढ़ाया हुआ है, इसमें मैंने आपको सारे लेबर लॉ का सन बताया था। मुझसे किसी स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि सर आप जो लेबर लॉ के सन हैं, ईयर्स, उन पर इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, उन पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। मैंने आपसे बोला था कि सन याद करने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, क्वेश्चन में सन तो डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ लिया कि सबसे पहले कौन आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4, और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों। यदि आपने ने पढ़ा है वो लेक्चर, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे। हमने जो लॉज वाली सेकंड क्लास पढ़ी, उसमें सबसे पहला लॉ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आप सभी के लिए आसान होगा। जरा मैं हिंदी बस में क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी से चाहिए। जितने लोगों ने भी सीरियसली उस वीडियो को पढ़ा है, वो डेफिनेटली वो सभी इसका आंसर मुझे दे पाएंगे। पहले लेक्चर में जो हमने देखा था, वहाँ भी मैंने इसको बार बार बताया था, और यहाँ भी बता रहा हूँ, और मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप जो ईयर्स हैं उन्हें ज़रूर अच्छे से याद करके रखें। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्लीस्ट लेबर लॉ इन द इंडिया? कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ, ट्रेड यूनियन एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट, ये चारों मैंने आपको बताए हैं। हिंदी में जरा हम देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जो कानून है, ये प्राचीनतम कानून है भारत का। यदि हम लेबर लॉ की बात करें, ठेका श्रम विभाग, व्यवसाय संघ अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम या कारखाना अधिनियम। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए दोस्तों मुझे आप सभी से। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की तो क्वेश्चन नंबर 5 मांग रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एफिशिएंट थ्योरी। ये अगेन लेबर लॉ से संबंधित क्वेश्चन है आपका। दोस्तों मैंने आपसे बोला एक टेबल बना लीजिए और वहां पर लिखते जाइए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एफिशिएंट थ्योरी? तो फंक्शनल थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी, रिलीजन थ्योरी या फिलेंट्रॉपिक थ्योरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लेबर लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एफिशिएंसी थ्योरी? इनमें से किस थ्योरी का एफिशिएंसी थ्योरी कहा जाता है? श्रम कल्याण का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है दक्षता का सिद्धांत भी कहलाता है? ऑप्शन है आपके प्रकार्यात्मक सिद्धांत, जनसंपर्क सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत या परोपकारी सिद्धांत। तो देखिए, यदि आप लोग हिंदी मीडियम से, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। दक्षता का सिद्धांत कभी परोपकारी सिद्धांत तो हो नहीं सकता, धार्मिक सिद्धांत भी नहीं हो सकता, और जनसंपर्क सिद्धांत भी नहीं हो सकता। तो क्या बच रहा है ऑप्शन? एलिमिनेशन से आप इसका आंसर दे सकते हैं। प्रकारात्मक जो सिद्धांत है या फंक्शनल थ्योरी जो है वो रिलेटेड है किससे? एफिशिएंस थ्योरी से। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले हैं या हिंदी मीडियम वाले बहुत कॉमन सेंस लगा सकते हैं दोस्तों। यदि आप यूपीएससी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना कॉमन सेंस हम सब में बनता है कि देखिए, रिलीजियस थ्योरी का एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं हो सकता, पब्लिक रिलेशन का एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। फिलेंट्रोपी का परोपकारी सिद्धांत की हम बात करें, तो इसका भी लेना देना नहीं हो सकता। तो बचता क्या है आपका? ले दे के फंक्शनल थ्योरी, प्रकारात्मक सिद्धांत, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है पांचवे का, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात करता है हम जरा देख लेते हैं। पहले हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाउसिंग इज आर नॉट करेक्ट? हाउसिंग के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है या नहीं है आपको बताना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द लिविंग लाइफ विद डिग्निटी। लिविंग लाइफ विद डिग्निटी, तो बिल्कुल ये चीज़ तो सही है ना। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम 2016 फॉर वर्कर्स, सेंट्रल असिस्टेंट फॉर अ न्यू हाउस मे बी रिलीज्ड इन 12 इक्वल इंस्टॉलमेशन। ऐसा तो कोई एक्ट नहीं है, ठीक ना, ऐसे भी कोई बात नहीं है। थर्ड है, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस डेटा ऑफ 2011 इज प्रोवाइडेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जर्नल एंड सेंसस कमिश्नर। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल भी सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो एक ऐसा ऑप्शन है जो इनअप्रोप्रिएट है, जो बिल्कुल भी अभी तक सही नहीं लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या दिक्कत है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए जरा हम इसे हिंदी में देख लेते हैं क्या बात चल रही है। आवास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो पहला यह गरिमा मर्यादा के साथ जीवन जीने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है, बिल्कुल है। कामगारों के लिए संशोधित एकीकृत आवास योजना 2016 के अनुसार एक नए घर के लिए केंद्रीय सहायता 12 किस्तों में जमा की जा सकती है, ऐसा कोई भी नियम या लॉ नहीं है। और तीसरा है महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आवास सूचीकरण और आवास गणना के 2011 के आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, मतलब सिर्फ सेकंड जो है वो सही है, आपका बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। लेट मी रीएडजस्ट इट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट कैन बी कंबाइंड अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये अभी सारे लेबर लॉ के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, जहाँ तक लेबर लॉ चल रहा है वहाँ तक अब मैं नहीं बताऊँगा। जहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा मैं वो आपको बता दूंगा। जब तक मैं आपको क्वेश्चन की कैटेगरी नहीं बता रहा तब तक आपको मान के चलना है कि लेबर लॉ है। जहाँ पर भी अदर देन लेबर लॉ क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स कैन बी कंबाइंड अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 मैंने आप सभी को डिटेल में पढ़ाया है, जो मैंने PDF दी है यदि आप सभी ने वो पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे चुटकियों में बन जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमेंट्स कर रहे थे कि सर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ा रहे हैं, इतना आसान नहीं आता। आई नो दैट दोस्तों कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। यदि आप उन्हें पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनेगा। हैव फेथ इन मी। और जिन चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं उनके भी क्वेश्चन आपसे बनते जाएंगे, बट आपको पढ़ना पड़ेगा भरोसा रखकर। तो चलिए, क्या है सिकनेस बेनिफिट एंड मैटरनिटी बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट, मैटरनिटी बेनिफिट एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर द टेम्परेरी डिसेबलमेंट, और मैटरनिटी बेनिफिट एंड मेडिकल बेनिफिट, है ना। आगे देखते हैं, हम हिंदी में ज़रा पढ़ लेते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत कौन से लाभ संयुक्त किए जा सकते हैं। तो लाभ हैं अस्वस्थता, हितलाभ और प्रसूति प्रसुविधा, अस्वस्थता, हितलाभ और अस्थायी असक्तता के लिए असक्तता हितलाभ, प्रसूति प्रसुविधा या अस्थायी असक्तता के लिए असक्तता हितलाभ, या फिर प्रसूति प्रसुविधा और चिकित्सा हितलाभ। तो जो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है, इसके अनुसार जो लाभ आप ले सकते हैं वो लाभ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द मैटरनिटी बेनिफिट एंड मेडिकल बेनिफिट। तो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगा और मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगा, प्रसूति की प्रसुविधा और चिकित्सा हित लाभ आपको दिलाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव एडमिसिबल टू अ वुमन एम्प्लॉय हैविंग टू और मोर देन टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन अंडर द प्रोविजन ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के अनुसार दो या दो से अधिक बच्चे होने की स्थिति में कितने समय की मैटरनिटी लीव जो है वो एडमिसिबल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 26 वीक, 14 वीक, 12 वीक या 16 वीक। जरा हिंदी में हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि प्रसूति प्रसुविधा संशोधन अधिनियम 2017 के उपबंधों के अधीन दो या दो से अधिक जीवित बच्चों वाली एक महिला कर्मचारी के लिए स्वीकार्य प्रसूति अवकाश की कुल अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है। हिंदी में भी जरा मैं इसको इजीली एक्सप्लेन कर दूं कि एक महिला जिसके दो या दो से अधिक बच्चे हैं वर्तमान में और यदि वो फिर से प्रसूति अवस्था में है, फिर से गर्भवती है, तो उसे कितने समय की मैटरनिटी लीव दी जा सकती है, कितने समय की प्रसूति अवकाश दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ दी 12 वीक, 12 हफ्तों का दिया जा सकता है। कितने सप्ताहों का? 12 सप्ताह, 12 वीक का दिया जा सकता है। 12 वीक की हम बात करें तो 3 मंथ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
पहले हम इसे आराम से इंग्लिश में पढ़ लेते हैं. व्हाट इज़ द शेयर ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेटिव इन एडवाइजरी कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूएट अंडर द इक्वल रिन्यूमिनेशन एक्ट 1976. इस एक्ट को भी हमने पढ़ा था और ये पॉइंट मैंने आपको एम्फसाइजली पढ़ाया हुआ है वहाँ पर. वन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स, वन थर्ड ऑफ द टोटल मेंबर्स, वन फोर्थ ऑफ द टोटल मेंबर्स और थ्री फोर्थ ऑफ द टोटल मेंबर्स. मतलब जो कमेटी बनेगी इस एक्ट के तहत उसमें महिलाएं का शेयर कितना होगा, विमेन्स का शेयर कितना होगा. जरा से हम हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार कि सामान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अधीन गठित की जाने वाली सलाहकार समिति में महिला प्रतिनिधियों का अंश कितना होगा. मतलब जो इक्वल रिमिनेशन एक्ट है 1976, इसमें विमेन कितनी होंगी, विमेन मेंबर्स कितनी होंगी उस कमेटी की. या समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत जो कमेटी बनेगी, जो सलाहकार समिति बनेगी, उस समिति में महिलाओं का प्रतिशत या अंश कितना होगा. तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ दी हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. जितने भी मेंबर्स होंगे उनका आधा जो होगा वो महिलाएँ होंगी. याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, जरा हम इसे डिस्कस कर लेते हैं. तो द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंस नंबर 102 ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर. ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेक्शन हुआ था 102, उसमें मिनिमम स्टैंडर्ड सोशल सिक्योरिटी के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गए थे वो किस साल से अडॉप्ट कर लिए गए हैं, किस ईयर से अडॉप्ट कर लिए गए हैं. जरा हिंदी में इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं कि सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम मानक, सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम मानक जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 102वें कन्वेंशन में दिए गए थे, उन्हें किस वर्ष से अंगीकार किया गया, किस वर्ष से उन्हें स्वीकार कर लिया गया है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट इज 1952. इसका सही उत्तर है सी, 1952. जी हाँ दोस्तों, 1952 से उन स्टैंडर्ड्स को, उन मानकों को मान लिया गया है विश्व भर में. आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की हम जरा बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है. तो इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम कंपनसेशन टू बी पेड अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923. एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 में जो आया था उसके अनुसार जब परमानेंट डिसेबलमेंट होती है तो उसके अंडर मिनिमम जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो कितना होगा, किस एक्ट के अंदर, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर. जरा हम इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं कि कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 के अंतर्गत स्थायी संपूर्ण अशक्तता या विकलांगता के मामले में भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम मुआवजे की राशि कितनी हो सकती है. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11. जरा इसे हिंदी में मैं थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में एलैबोरेट कर दूँ कि यदि कोई कर्मचारी पूर्णतः विकलांग हो जाता है, स्थायी विकलांग हो जाता है, तो जो 1923 में प्रतिकर अधिनियम आया है उस अधिनियम के तहत कितनी राशि उसे मुआवजे के तहत दी जाएगी. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 140,000 रुपये का जो भुगतान है वो उसे किया जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12 को ज़रा पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं शांति से, फिर इसे हम आगे पढ़ेंगे हिंदी में. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेक्शन 1 ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 इज नॉट करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू सेक्शन 1 ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 इज नॉट करेक्ट. ठीक है दोस्तों, ये द एक्ट शैल अप्लाई, इसके जरा हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. The Act shall apply to all factories, including factories belonging to the government. First. Second. ठीक है, Employee Insurance Act किसके against नहीं है, ठीक है, कहाँ पर applicable नहीं है. तो पहला क्या है, The Act shall apply to all factories, including factories belonging to the government. Second है,
The act shall not apply to the factories under the control of the government whose employees are in the receipt of benefits substantially inferior of benefits under the act. Third, the act extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. And fourth, the applicability of the act in the establishment cases if the number of person employed therein falls below the limit specified under the act. ठीक है, तो चलिए जरा हम इसे एक बार देख लेते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 1 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है. तो पहला, यह अधिनियम सभी कारखानों पर लागू होगा जिनमें सरकार से संबंध कारखाने भी हैं. यह अधिनियम राज्य के नियंत्रण के अधीन आने वाले उस कारखाने पर लागू नहीं होगा जिसके कर्मचारियों की लाभ प्राप्तियाँ इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली हितकर के लाभ से सार्थक निरंतर हो. थर्ड है, इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है और किसी प्रतिष्ठान में इस अधिनियम की प्रयोज्यता समाप्त हो जाती है यदि उस नियोजित व्यक्तियों की संख्या अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा से कम हो जाती है. ठीक है दोस्तों, तो अब हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें तो हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 जो है वो करेक्ट नहीं है. सॉरी 2 और 3 जो है वो करेक्ट नहीं है. आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 है, एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ एडिट पेरिल एज अप्लाइड टू एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट, अ वर्कमैन कैन नॉट होल्ड इज एम्प्लॉयर लाइबल फॉर द रिस्क इफ एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट ऑफ द एम्प्लॉय. ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं. ए, अंडरटेक टू डू समथिंग विच द एम्प्लॉय इज नॉट ऑर्डिनरली रिक्वायर्ड टू डू एंड इन्वॉल्व एक्स्ट्रा डेंजर्स. नेक्स्ट है, remains absent from place where it's supposed to work. C, under the influence of the alcohol of duty. And D, is working on the overtime assignment. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 13 था. जरा इसे एक बार हम रीड कर लें जल्दी से. As per the doctrine of added peril as applied to employees compensation act, a workman cannot hold his employer liable for the risk if at the time of accident the employee. ठीक है, मतलब ये हो रहा है कि जो कंपेंसेशन एक्ट के तहत किस एम्प्लॉय को कौन सा एम्प्लॉय है जो अपने एम्प्लॉयर को लायबल नहीं मान सकता, रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकता उसमें एक्सीडेंट जो होता है. ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशन दी हुई है. इसको ज़रा हम हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार कि वार्तित आपदा एडिट पेरिल के सिद्धांत के अनुसार, जैसे कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम पर प्रयोज्य कर्मचारी जोखिम लेने के लिए अपने नियोक्ता के लिए नियोक्ता को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता दुर्घटना के समय यदि. अब किन किन परिस्थितियों में जो एम्प्लॉय है वो अपने एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता एक्सीडेंट की, कौन कौन सी कंडीशन पर हैं. पहला, कुछ इस प्रकार के कार्य अपने ऊपर लेता है जिससे साधारणतः कर्मचारी द्वारा किया जाना अपेक्षित नहीं और जिसमें अतिरिक्त खतरा भी शामिल है, मतलब जिनमें एक्स्ट्रा डेंजर है. यदि वैसा कार्य वैसा वर्क एम्प्लॉयर अपने ऊपर ले लेता है तो उसके दौरान होने वाली घटना के लिए वो अपने एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकता. ऑप्शन 1 ये है. ऑप्शन 2 जो है वो आपसे ये बोलता है, उस स्थान में अनुपस्थित रहता जहाँ पर उसे कार्य होना चाहिए, मतलब जहाँ पर उसको वर्क करना है, जहाँ पर उसका वर्किंग स्टेशन है, यदि उससे हटकर उसका कहीं एक्सीडेंट होता है तो भी वो अपने एम्प्लॉयर के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकता. तीसरा बोल रहे हैं कि यदि वह शराब के नशे में धुत है. और चौथा बोल रहा है एक अतिकालिक ओवर टाइम पर कर रहा हो. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कि कुछ इस प्रकार के कार्य अपने ऊपर लेता है जिससे साधारणतः कर्मचारी द्वारा किया जाना अपेक्षित नहीं है और जिसमें अतिरिक्त खतरा भी शामिल है. तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही है, जिसको हम एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं कि अंडरटेक टू डू समथिंग विच
undertake to do something which the employer is not ordinarily required to do and involves extra danger. आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है चलिए ये देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 14 बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल कंसर्निंग टू द फंडामेंटल राइट एज पर इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशनल के कॉन्स्टिट्यूशन के में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं इनकी हमें बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड एंड कंपलसरी लेबर. सेकंड है रिडीम ऑफ एसोसिएशन ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग. थर्ड है इफेक्टिव एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड फोर्थ है प्रिवेंशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट. जरा इसे हम एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं. इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संविधान के अनुसार मूल अधिकारों से संबंधित सिद्धांतों के अंश निम्नलिखित में से कौन से हैं. मतलब जो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो मूल अधिकार कर्मियों को प्रदान किए गए वो कौन कौन से हैं. तो इसके जो ऑप्शन है वो ये है बालाश्रम बालाश्रम और अनिवार्य बालाधिकारी श्रम के सभी रूपों का उन्मूलन करना साहचर्य संगम की स्वतंत्रता और सामूहिक मेलभाव के अधिकार की प्रभावी मान्यता या बाल श्रम का प्रभावी उन्मूलन या फिर बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ दी साहचर्य संगम की स्वतंत्रता और सामूहिक मेलभाव के अधिकार को प्रभावी मान्यता देना. इसको इंग्लिश में हम दे लेते हैं कि इसका आंसर जो है ऑप्शन बी सही है. ऑप्शन बी क्या है आपका यहाँ पर देखते हैं हम 1, 2 और 3 जो हैं उनकी बात करता है 1, 2 और 3 की यहाँ पर बात करता है. तो 1 में क्या है एलिमिनेशन फॉर ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स्ड एंड कंपलसरी लेबर. सेकंड है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग. और 3 जो है वो है इफेक्टिव एबोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर. ठीक है तो कौन कौन से जो हैं वो सिद्धांत में संविधान में आते हैं वो हैं 1, 2 और 3 ऑप्शन बी के अनुसार. तो 1 क्या है बालाश्रम और बाध्यकारी श्रम का उन्मूलन सहचर्य संगम की स्वतंत्रता सामूहिक मेलभाव का अधिकार का प्रभावी मान्यता और बाल श्रम का प्रभावी उन्मूलन. ये 3 जो चीज़ें हैं वो ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संविधान में कही गई हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान में कही गई हैं. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है जरा हम इसे देख लेते हैं. हु आउट ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सेक्शन एक्ट वर्कर सिक्योरिटी एक्ट 2008. ठीक है हु आउट ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर. अब देखिए दोस्तों जब भी मैंने एक्ट बताया तो उस एक्ट हर एक्ट के अंदर एक डेफिनेशन दी गई है एम्प्लॉयज़ की या उस एक्ट की या उस एक्ट के अंदर लाई करने वाले लोगों की जो कि मैंने आपको हर एक एक्ट में बताई है यदि आपने उसे ध्यान से पढ़ा है तो. ठीक है मैंने हर एक्ट में सारे सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो उनको मैंने इंक्लूड करके रखा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं आपके लिए पढ़ना और समझना उन्हें. तो चलिए मैंने आगे समझते हैं सॉरी चलिए तो कौन हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के अंदर लाई नहीं करते. ऑप्शन क्या क्या हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर वेज वर्कर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या होम बेस्ड वर्कर. ठीक है चलिए ज़रा हिंदी में हम इसे देख लेते हैं. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अधीन असंगठित कामगार की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता. तो असंगठित कामगार की परिभाषा में कौन नहीं आता है स्वनियोजित कामगार मजदूर वेतन कामगार संविदा कर्मचारी या गृह आधारित होम बेस्ड कामगार. ठीक है तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मजदूरी वेतन कामगार जो हैं वो असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की स्थिति में या उस कैटेगरी में नहीं आते हैं. आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है
हु अमंग द फॉलोइंग यूज द फ्रेज कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से किसने कलेक्टिव बार्गेनिंग सामूहिक मेल भाव शब्द को प्रयोग किया था? हिंदी में क्वेश्चन का मतलब ये होगा, तो इसका ऑप्शन है सिडनी एंड वेटनबैब, सैमुअल गेम्स, रोजवेल्ट या रॉबर्ट ओवाइन। ठीक है, ये जो नाम है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द सिडनी एंड वर्स बैटरीज वेब। सिडनी एंड बैटरीज वेब जो है इन्होंने पहली बार कलेक्टिव बार्गेनिंग शब्द का जो है उपयोग किया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बात करता है? क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोंडेड द बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ द वेजेस? बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ द वेजेस जो है मजदूरी का मूलभाव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार चार ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द जॉन डेविसन। जी हाँ दोस्तों, जॉन डेविसन ने मजदूरी के मूलभाव सिद्धांत बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस को इंट्रोड्यूस किया था, प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बात करते हैं हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ यदि हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, एन इंटरिम और अ फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग देयर टू बाय एनी लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल एंड इंक्लूड एन आर्बिट्रेशन अवार्ड मेड अंडर द सेक्शन 10A कैन बी टर्म्ड एज अवार्ड बाय पार्टेड सेटलमेंट, जुडिशियल सेटलमेंट, कंसीलेशन। ठीक है, तो एक्ट यदि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत सेक्शन 10A के अकॉर्डिंग यदि किसी मैटर को सुलझाया जाता है तो वो इनमें से क्या कहलाएगा? ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड मीनिंग ये होगा, जरा इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार किसी औद्योगिक विवाद का अंतरिम या अंतिम निर्धारण अथवा किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा से संबंधित कोई प्रश्न तथा जिससे धारा 10A के अधीन दिया गया एक मध्यस्थ पंचायत सामिले को क्या कहा जा सकता है? मतलब इस अधिनियम के तहत यदि किसी मुद्दे को सुलझाया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? पंचायत कहा जाएगा, द्विपक्षीय समझौता कहा जाएगा, न्यायिक करार कहा जाएगा या सुलह कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द पंचायत कहा जाएगा, इसे एक अवार्ड कहा जाएगा यदि इस तरह किसी मुद्दे को सुलझाया जाता है तो। क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर इन इंडिया इज, आई रिपीट द क्वेश्चन, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स इन इंडिया इज, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वह क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वॉलेंट्री अंडर लेबर लॉ है, ऑब्लिगेटरी अंडर लेबर लॉ है या एक फंडामेंटल राइट है? ठीक है, तो भारत में नियोक्ता और कामगारों के बीच सामूहिक मेल भाव के अधिकार को क्या कहा गया है? क्या है? एक संविधान का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, श्रम कानून के अंतर्गत एक स्वैच्छिक अधिकार है, श्रम कानून के अंतर्गत एक अनिवार्य अधिकार है या एक मूल अधिकार है? किस तरह का ये एक अधिकार है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ दी वॉलेंट्री अंडर द लेबर लॉ, श्रम कानून के अंतर्गत एक स्वैच्छिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्या कहना चाहता है, तो वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन इज अ स्टैचुअली रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। स्वैच्छिक मध्यस्थम किसके अधीन विवाद के निपटारे का कानूनी रूप से मान्य प्रकार है? तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं चार, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। जब भी बात की जाएगी एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय
या वर्कर के बीच के विवाद की बात की जाएगी तो उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत निपटाया जाएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत जितने भी तरह के डिस्प्यूट होंगे उन्हें निपटाया जाएगा। डिस्प्यूट जब भी बात आएगी तो आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मोस्ट प्रोबेबली आंसर देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहे हैं हम जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग चेंज मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग मैनेजिंग चेंजेस कंपोजिंग अनफ्रीजिंग चेंजिंग चेनिंग या रिफ्रीजिंग। कर्ट लेविन के अनुसार परिवर्तन प्रबंधन के लिए आधारभूत क्रियाविधि निम्नलिखित में से क्या नहीं है। अब यहाँ पर बात आ रही है तो देखते हैं, संगठन करना, नियंत्रण करना, परिवर्तन करना या पुनरावरोधीकरण करना, ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड अब यहाँ पर क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका सही आंसर है आपका 21 का ए, दैट इज़ दी कंपोजिंग, संगठनिक करना, कंपोजिंग जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अर्लिएस्ट स्कूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अर्लिएस्ट स्कूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज और ऑप्शन क्या क्या थे आपके पास, ह्यूमन रिलेशनल स्कूल, द सिस्टम स्कूल, द बिहेवियरल स्कूल और द कंटीजेंसी स्कूल। सॉरी फॉर दैट। तो संगठन सिद्धांत की आरंभिक विचार पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी थी। इसका सही ऑप्शन जो है वो है मानव संबंध विचार पद्धति, तंत्र व्यवस्था विचार पद्धति, व्यवहार विज्ञान विचार पद्धति या असंघ आकस्मिकता विचार पद्धति। और इसका सही आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर ए, द ह्यूमन रिलेशन स्कूल, मानव संबंध विचार पद्धति। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 23वां क्वेश्चन। तो 23वां क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नॉट करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नॉट करेक्ट। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट इज जॉब एनालिसिस इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ टास्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जॉब। ऑप्शन बी है जॉब डिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्गेनाइज फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। जॉब एवेल्यूएशन इज अ सिस्टमिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द जॉब समरी जॉब टाइटल जॉब सुपरविजन इन द वर्किंग कंडीशन ऑफ अ जॉब एंड जॉब स्पेसिफिकेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज नेसेसरी टू परफॉर्मिंग अ जॉब। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नॉट करेक्ट। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए जरा हम इसे एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं कि मानव संसाधन नियोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। पहला, एक नौकरी के नियत काम कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की व्यावसायिक जांच पड़ताल को कार्य विश्लेषण कहते हैं। किसी विशिष्ट जॉब के कर्तव्य और दायित्वों के एक व्यवस्थित तथ्यात्मक विवरण को कार्य विवरण कहते हैं। एक नौकरी का कार्य सारांश शीर्षक पर्यवेक्षण और कार्य स्थितियां निर्धारित करने की व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रक्रिया को कार्य मूल्यांकन कहते हैं। और कार्य विशिष्ट किसी कार्य के उचित ढंग से करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्वीकार्य मानवीय गुणों का विवरण है। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी ऑप्शन नंबर सी। जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक नौकरी का कार्य सारांश कार्य शीर्षक पर्यवेक्षण और कार्य स्थितियां निर्धारित करने की व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रक्रिया को कार्य उन्मूलन कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम देख लेते हैं कि जॉब एवेल्यूएशन इज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द जॉब समरी जॉब टाइटल सुपरविजन एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द जॉब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत क्यों लिया गया, क्योंकि एक इंसान को एवेल्युएट करना कि वह किससे संबंधित है, यही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है कि सही इंसान को सही काम देना, सही जगह फिट करना ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 24वां। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द मल्टीपल मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मल्टीपल मैनेजमेंट टेक्निक को किसने आविष्कार किया था, किसने डेवलप किया था? प्रबंधन विकास कार्यक्रम की बहु प्रबंधन तकनीक निम्नलिखित में से किसने विकसित की थी? तो हमारे पास ऑप्शन है चार्ल्स पी मैककॉर्मक, चार्ल्स बैबेज, माइकल थॉम्सन या गैरी डेस्प्लर। तो इसका सही आंसर है 24वें का ए, दैट इज़ दी चार्ल्स पी मैककॉर्मक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाहता है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लैंड मैनेजमेंट, फॉर लैंड मैनेजमेंट। डेवलप पर्सनल प्लान्स फॉर सोइंग प्रमोशनल प्रमोटेबल एम्प्लॉयज, प्रिपेयर ट्रेनिंग मटेरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंट एंड आउटलाइंस, असिस्ट जॉब एनालिसिस बाय लिस्टिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब इन द क्वेश्चन, एंड डी है आपका कंडक्ट ऑफ जॉब एवोल्यूशन प्रोसीजर एम्ड एट डिटरमाइनिंग रिलेटिव वर्थ ऑफ ई जॉब इन द फॉर्म। हिंदी में जरा हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि कार्य क्षेत्र प्रबंधनों लैंड मैनेजर के मानव संसाधन प्रबंधन दायित्व निम्नलिखित में से कौन सा है? पदोन्नत योग्य कर्मचारियों को दर्शाने वाली कार्मिक योजनाओं का विकसित करना, प्रशिक्षण सामग्री अनुस्थापन दस्तावेज और रूपरेखाएं तैयार करना, विचाराधीन जॉब के दायित्वों और विशेष कर्तव्यों को सूचीबद्ध करके जॉब विश्लेषक की सहायता करना, या फर्म में प्रत्येक कार्य का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने का उद्देश्य। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी असिस्ट जॉब एनालिस्ट बाय लिस्टिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब इन क्वेश्चन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइन मैनेजर्स, लाइन मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही थी। तो जो लाइन मैनेजर्स होते हैं उनका मुख्य काम होता है क्या, विचाराधीन जॉब्स के दायित्वों और विशेष कर्तव्यों को सूचीबद्ध करके जॉब विश्लेषकों की सहायता करना, ताकि जॉब विश्लेषक जो है वो उस तरह के एम्प्लॉयज़ को फाइंड कर सके, उस तरह के जो कर्मी हैं उनको फाइंड कर सके। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम चलते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है आपका वह है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू इम्प्रूव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल इन द मैनेजर्स। जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है वह मैनेजर्स को क्यों दी जाती है, इनसे कौन सी स्किल्स है जो कि उनकी बढ़ सकती है, निखर सकती है? ह्यूमन रिलेशनल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स। हिंदी में जरा हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रबंधकों को संवेदनशीलता प्रशिक्षण दिया जाता है? मानव संसाधन कौशल, समस्या निवारण कौशल, समय प्रबंधन कौशल या तकनीकी कौशल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ दी मानव संसाधन कौशल। जी हाँ दोस्तों, मानव संसाधन कौशल या ह्यूमन रिलेशन स्किल्स जो होती हैं वो उन्हें सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से प्राप्त होती है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मतलब ये ह्यूमंस के साथ कनेक्ट ईजीली हो सकें और चीज़ों को अच्छे तरह से कोऑर्डिनेट कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, पर कैपिटा इंडेक्स, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, लिटरेसी रेट या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मानव प्रगति सूचकांक के विकास में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है, प्रति व्यक्ति सूचकांक, रोजगार वृद्धि दर, साक्षरता दर या आयु संभाव्यता। आयु संभाव्यता। तो 27 का जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ दी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, रोजगार वृद्धि दर। मानव प्रगति सूचकांक रोजगार वृद्धि दर पर निर्भर नहीं करता या इसमें शामिल इस चीज़ को नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। पहले हम इसे इंग्लिश में पढ़ते फिर इस हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है,
कैंग्लोमेरेट, कैंग्लोमेरेट क्या है? अ मैनेजमेंट गेम वेयर द पार्टिसिपेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज एज इफ द पर्सन वर प्रमोटेड सडनली। बी है इन बास्केट सर्विस, अ टेस्टिंग मेथड बेस्ड ऑन द मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑन एक्चुअल बेसिस जॉब टास्क। और ऑप्शन सी है असेसमेंट सेंटर, यूज्ड इंक्रीजिंगली एज द सिलेक्शन टूल। एंड वर्क सैम्पलिंग इज द मैनेजमेंट गेम यूजली परफॉर्म्ड बाय द टीम ऑफ पार्टिसिपेंट्स बिफोर कंपनीज टू अचीव देयर प्लांट रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चलिए पहले इसे हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि इसे समझना कितना आसान है। ठीक है, सही सुमेलित बताने आपको संगुटिकुशम जमघट बोल सकते हैं हम इसे। खेल एक प्रबंधन खेल जहां प्रतिभागी को कुछ इस प्रकार की गतिविधियां करने के लिए कहा जाता है जैसे उन्हें अचानक पदोन्नति दी गई हो। इन बॉस्केट अभ्यास वास्तविक मॉडल जॉब कार्यों के बारे में कार्य कुशलता मापन पर आधारित एक परीक्षा रीति, मूल्यांकन केंद्र एक चयन साधन के रूप में बढ़ता हुआ उपयोग, या कार्य प्रतिचयन एक प्रबंधन खेल जो आमतौर पर वस्तु विनिमय करने वाली प्रतिभागी कंपनियों के एक दल द्वारा अपने योजनाबद्ध परिणामों को प्राप्त करने के लिए खेला जाता है। तो चलिए आज जरा हम इसे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को हम अपने। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है हमें ये बताना है। तो देखिए जरा हम एक चीज़ देखें, वर्क सैम्पलिंग, वर्क सैम्पलिंग से आप समझ सकते हैं कि वर्क की सैम्पलिंग करना उसका किसी गेम से तो कोई लेना देना नहीं हो सकता, मतलब डी तो बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 28। ओके, यहाँ पर बास्केट एक्सरसाइज भी है जो टेस्टिंग मेथड है बेस्ड ऑन मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑन द एक्चुअल बेसिस जॉब टास्क, तो ये भी गलत है। और कॉन्ग्लोमोरेट, कॉन्ग्लोमोरेट गेम जो होता है, कॉन्ग्लोमोरेट की हम बात करें तो कॉन्ग्लोमोरेट गेम के लिए यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो क्या दी गई है कि अ मैनेजमेंट गेम वेयर द पार्टिसिपेंट वर इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज एज पर द पर्सन वर प्रमोटेड सडनली, है ना। तो ये ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी क्या है, असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर क्या होता है, यूज्ड इंक्रीजिंगली एज द सिलेक्शन टूल। तो देखिए यहाँ पर असेसमेंट सेंटर्स जो होते हैं जहाँ पर सिलेक्शन टूल की तरह इनका उपयोग किया जाता है, और जो कि सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आपका। आगे बढ़ते 29वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं हमारे। 29वां क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ओपिन दैट नेचुरल जस्टिस इज ग्रेट ह्यूमनाइजिंग प्रिंसिपल इंटेंडेड इन इन्वेंटेड टू इन्वेस्ट लॉ विद इन फेयरनेस टू सिक्योर जस्टिस एंड ओवर द ईयर्स इट हैज ग्रोन इनटू द वाइडली प्रेजिस रूल्स अफेक्टिंग लार्ज एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ठीक है, जरा इसे हम हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि न्याय को सुनिश्चित करने के लिए एक निष्पक्षता के साथ कानून विनीत करने की अभिप्राय से नैसर्गिक न्याय की एक महामानवीयता का सिद्धांत है, और विगत कुछ वर्षों में यह बहुत अधिक व्यापक नियम के रूप में बढ़ा जो प्रशासनिक कार्रवाई के बृहद क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन 29 है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, और ये बोला था जस्टिस पी एन भगवती ने ये मत था, ये इनका मानना था। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। फर्स्ट है, नो वन शैल बी जज्ड इन हिज ऑन कॉज, नो डिसीजन शैल बी गिवेन अगेंस्ट अ पार्टी विदाउट अफोर्डिंग हिम अ रीजनेबल हियरिंग, एंड थर्ड है, क्वासी जुडिशियल इंक्वायरीज मस्ट बी हेल्ड गुड फेथ विदाउट बायस एंड नॉट आर्बिट्रली और अनरीजनेबली। ठीक है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। ठीक है, जरा हम इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से नियम नैसर्गिक न्याय के रूप के मूल सिद्धांतों का संस्थापित कौन करता है। कोई भी अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, किसी पक्ष के विरुद्ध उसे एक समुचित सुनवाई प्रदान किए बिना उसका निर्णय नहीं किया जा सकता, और बिना पक्षपात पूर्वाग्रह और मनमाने अथवा अनुचित ढंग के बिना नीक नीति से न्यायिक कल्प जांच अवश्य की जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 30 का वो है ऑप्शन नंबर
डी, और हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी जरूरी हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं, जरूरी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। जस्ट अ सेक, क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट समराइज द प्रिंसिपल ऑन द रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस बाय डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर कुछ केसेस की बात करी गई है, और किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने समराइज किया है प्रिंसिपल रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस बाय डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जरा इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक मामले में उच्च न्यायालय ने किसी निर्णय लेने वाले पदाधिकारी द्वारा कारणों को दर्ज किए जाने के बारे में सिद्धांत संक्षेप में प्रस्तुत किए हैं। तो ये कौन सा केस था, हम इसे एक बार हिंदी में, इंग्लिश में ऑप्शन हम इसके इंग्लिश में ही देखेंगे जरा अच्छे से। तो फर्स्ट है ऑप्शन अजय हजीज वर्सेस खालिद मुजीब 1981 SCC 722, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वर्सेस एस के शर्मा 1996, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अपूर्वा कुमार साहा या क्रांति एसोसिएट लिमिटेड वर्सेस मसूद अहमद खान, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आपका 31 का वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ दी क्रांति एसोसिएट वर्सेस मसूद अहमद खान 2010। इसमें जो सिद्धांत थे वो सुप्रीम कोर्ट ने संक्षेप में प्रस्तुत किए थे। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज वॉइड अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ठीक है। अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन इज वैलिड अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट, द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और द कंपनीज एक्ट 1956। किस एक्ट के अंतर्गत, जरा इसे हम हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, व्यवसाय संघ अधिनियम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अनुसार निम्नलिखित में से किन अधिनियमों के अधीन किसी श्रमिक संघ का पंजीयन रद्द किया जा सकता है या अमान्य किया जा सकता है। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 या कंपनी अधिनियम 1956। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 2 और 3। जी हाँ दोस्तों, तीनों के ही द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है, तीनों के ही द्वारा इसे क्या किया जा सकता है, ट्रेड यूनियन एक्ट को रद्द किया जा सकता है, एक्ट को नहीं रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हम अपने क्वेश्चन 33वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33वां क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट फाइन प्रोवाइडेड इन द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 फॉर कंटिन्यूस फेलियर बाय द ट्रेड यूनियन टू सबमिट रिटर्न्स अंडर द एक्ट। यदि ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत यदि कोई ट्रेड यूनियन है और वह अपने जो रिटर्न्स हैं वो कंटिन्यूसली फिल नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम एग्रीगेट फाइन कितना उसके ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए जरा इस यहाँ पर ये राशियाँ दी गई हैं, इन्हीं में देखते हैं कि व्यवसाय संघ अधिनियम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अनुसार वितरण जमा रिटर्न दाखिल करने में लगातार असफल रहने पर किसी श्रमिक संघ पर अधिकतम संकलित जुर्माना कितना लग सकता है। तो इसका जो सही आंसर है 33वें का वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ दी 50 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 50 रुपये का जो अधिकतम जुर्माना है वो उनके ऊपर लगाया जा सकता है। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस द जनरल फंड ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे नॉट बी स्पेंट। तो इसका सही आंसर है द कंडक्ट ऑफ तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं जरा, है ना, ऑप्शन को हम नहीं पढ़ते यहाँ पर, एक बार क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेते हैं कि व्यवसाय संघ अधिनियम
ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पंजीकृत श्रमिक संघ की सामान्य निधि खर्च नहीं की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द किसी व्यक्ति का भरण पोषण जो संविधान अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के अधीन गठित किसी विधायी निकाय का सदस्य हो। इसका ऑप्शन जरा हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सही आंसर की द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज़ द मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूएट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी। तो एक क्वेश्चन क्या था कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पस द जर्नल फंड ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज नॉट स्पेंड, मतलब इस स्थिति में स्पेंड नहीं किया जा सकता। अब किन किन स्थितियों में स्पेंड किया जा सकता है जरा हम देख लेते हैं। पहला क्या है, टू कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेड यूनियन और एनी ऑफ इट्स मेंबर, बिल्कुल। द कंपनसेशन ऑफ मेंबर्स फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रेड डिस्प्यूट, है ना। और तीसरा क्या है, अलायंस टू मेंबर्स ऑन देयर डिपेंडेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट ओल्ड एज सिकनेस और द अनएम्प्लॉयमेंट। इन तीन केसेस में जो फंड है, जो ट्रेड यूनियन का फंड है, वो खर्च किया जा सकता है। ऑप्शन सी में नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, मतलब इनमें से किस बेसिस पर ट्रेड यूनियन एक्ट को रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन क्या क्या है, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट हैज़ बीन ऑब्टेन बाय फ्रॉड, द ट्रेड यूनियन हैज़ कॉन्ट्रावेंडेड द प्रोविजन ऑफ एक्ट, द जर्नल बॉडी ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट हैज़ शोन नो कॉन्फिडेंस इन द ऑफिस वेरियर्स और एन एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड बाय द ट्रेड यूनियन फॉर कैंसलेशन ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, व्यवसाय संघ अधिनियम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अधीन किसी पंजीयक श्रमिक संघ के पंजीकरण को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आधार नहीं माना जा सकता, पंजीयन प्रमाण पत्र कपट से प्राप्त किया गया हो, श्रमिक संघ ने अधिनियम उपबंधों का उल्लंघन किया हो, श्रमिक संघ की साधारण सभा ने पदाधिकारियों पर भरोसा नहीं दर्शाया गया हो, या श्रमिक संघ के द्वारा अपने पंजीयन को रद्द करने के लिए आवेदन दिया गया हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक संघ की साधारण सभा ने पदाधिकारियों पर भरोसा नहीं दर्शाया हो, अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया हो। नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में ही इसे नहीं लिया जा सकता, आधार नहीं बनाया जा सकता, बाकी केसेस में आधार बनाया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में जो कारण दिए गए हैं उनके आधार पर जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसे कैंसिल किया जा सकता है, उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम चलते हैं। फॉर रजिस्टरिंग अ ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम मेंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट विच इट इज कनेक्टेड। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन एक श्रमिक संघ का पंजीयन किए जाने के लिए प्रतिष्ठान में नियोजित किए जाने वाले कामगारों की वह न्यूनतम संख्या निम्नलिखित में से क्या है जिससे वह श्रमिक संघ संबंध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 10% और 100 ऑफ द वर्क 10% और 100 ऑफ द वर्कर विच एवर इज लेस सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 7, 10% अथवा 100 कामगार जो भी कम हो बशर्ते कि न्यूनतम 7 हों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या कहना चाह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, स्टेट गवर्नमेंट ओनली, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, बोथ स्टेट एंड सेंटर एंड रजिस्टर ऑफ द ट्रेड यूनियन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो मतलब रेगुलेटरी पावर किसके पास है ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत यूनियंस की। व्यवसाय संघ अधिनियम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत विनिमय बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सशक्त है, केवल राज्य सरकार, केवल केंद्र सरकार, दोनों सरकार या श्रमिक संघ का पंजीयक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ,
क्योंकि जो वर्ड लेबर है मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको पढ़ा बताया था कि जो लेबर है ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर्स रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रेड यूनियंस, यहाँ पर कुछ ट्रेड यूनियंस दी हुई हैं और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव ट्रेड यूनियन बेस्ड ऑन द ईयर द फॉर्मेशन। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ही देख लेते हैं, है ना, कि ये कुछ ट्रेड यूनियन दी हुई हैं और ये किस ऑर्डर में बनी हुई हैं, उस ऑर्डर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें जमाना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सबसे पहले टू मतलब AITUC पहले फॉर्म हुई थी, उसके बाद उसके बाद हम बात करें ऑप्शन नंबर सी है चूँकि हमारा आंसर, तो सबसे पहले AITUC बना था, उसके बाद थर्ड नंबर पर है INTUC बना था, उसके बाद HMS बना था, HMS के बाद BMS बना था, और BMS के बाद बचा हुआ CITU बना था। तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय NM लोकांडे। ठीक है, NM लोखंडे द्वारा आरंभ किया गया न्यूज़पेपर कौन सा है। तो इस अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपकी हिस्ट्री से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ दीन बंधु। जी हाँ दोस्तों, दीन बंधु जो अखबार है वह NM लोखंडे द्वारा शुरू किया गया था। और हमारा आज 40वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द सेकंड इंटरनेशनल विच ग्रू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिस्ट फिलोसफी ड्यूरिंग 1869-1916 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। द सेकंड इंटरनेशनल जो कि समाजवादी दर्शन के प्रभाव में उत्पन्न हुआ 1819 से 1916 के दौरान एक्टिव था, इसका संगठन कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द पेरिस। इसका जो संगठन हुआ था ये पेरिस में हुआ था। तो दोस्तों हमारे ये पार्ट वन था, हमने आज 40 क्वेश्चन डिस्कस किए और हम ये अगले बचे हुए क्वेश्चन को हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।